अरे हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने कर दिया था, बोल तो रही हूँ कर दिया था। हाँ हाँ ठीक है। मेरा बच्चा चोरी कर रहा है? अरे मैडम, हम क्यों आपका बच्चा चोरी करेंगे? बच्चा नहीं चोरी कर रहा था तो और क्या कर रहा था? क्या हुआ मैडम? ये मेरा बच्चा चोरी करके भाग रहा था, चोर कहीं का। नहीं नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं करी। चोर? आप दोनों मेरे को मार क्यों रहे? एक बार मेरी बात तो सुनो। अबे ओए, क्या हरकत है, क्या बात होगी मैडम? ये दिन दहाड़े मेरा बच्चा चुरा के भाग रहा था। देखिए ना भैया, मोहल्ले का माहौल खराब कर रहे हैं ये। सामने चोर नहीं हूँ साहब, साहब मैं चोर नहीं हूँ। ओए, जिस मोहल्ले के जैसे तेरा पेट पलता है, तू उसी मोहल्ले के बच्चा चोरी कर रहा है? आप तीनों मेरी बात ही सुन रहे हो ना, जब से मार रहे हो। रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ देखो, पुलिस की धमकी दे रहा है, पुलिस की धमकी दे रहा है। पुलिस को तू नहीं, पुलिस को हम फोन करते हैं। फोन दे इधर। मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन। मेरी क्या गलती थी जो आपने मेरा फोन तोड़ दिया? तेरी क्या गलती थी ना, ये तो अब तुझे पुलिस ही बताएगी। पुलिस को फोन करो। मेहनत करी था ना मैंने। ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ, मेरा फोन तोड़ के। हाँ बता रहा हूँ, अच्छा नहीं किया तुझे तो मैं बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं क्या हो गया, आप लोग क्यों मार रहे हो इसको? ये मेरा बच्चा चोरी करके भाग रहा था। अगर इसने कोई गलती की है तो पुलिस को बुलाओ ना, वो फैसला करेगी। आप लोग कौन होते हैं उसको मारने वाले? साहब मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मैं बेकसूर हूँ साहब। साहब मेरी कोई देखो ना साहब, बिना गलती के मार रहे जब से साहब। मैं बता रहा हूँ आप लोग ना ये बहुत गलत कर रहे हो। अबे ओए, ज्यादा ना प्रधान बनने की जरूरत नहीं है, इसके साथ क्या करना है हम अपने आप देख लेंगे। चल निकल यहाँ से। हाँ जी मैडम, कौन था वो चोर? यही था सर, जो मेरा बच्चा चुरा के भाग रहा था। साहब आप आ गए साहब, साहब प्लीज मुझे इनसे बचा लो साहब, बहुत देर से मार रहे हैं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब, प्लीज बचा लो। बच्चों ने कुछ किया है या नहीं किया है ये तो थाने में चल के पता चलेगा, चल। अरे सर, ये कैसे बिहेव कर रहे हो आप इसके साथ? और मुजरिमों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है? पहले आप कन्फर्म तो कर लो किसने सच में कुछ किया भी है कि नहीं। अबे जब चार लोग बोल रहे हैं कि इसने बच्चा चुराया है तो मतलब इसने कुछ तो किया ही होगा ना, और तू कौन है जो इतना प्रधान बन रहा है, हैं? पर चार लोगों को गलतफहमी भी तो हो सकती है। तो एक बार साइड में चल मेरे साथ। तू कहना क्या चाहता है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है उसने कुछ सच में गलत ना किया हो। अगर उसने कुछ गलत नहीं भी किया होगा तो हम ये बात साबित कैसे करेंगे? सब लोग तो उन्हीं की बात मानेंगे ना, और ये बात साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। उसकी बात कोई नहीं मानेगा, उसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं है, ना ही हमारे पास कोई गवाह है ना कोई सबूत। सर एक बार ना आप उसकी आंखों में देखो, आपको लगता है कि वो सफाई करने वाला सच में बच्चा चोरी कर रहा होगा? बात तो सही है, पर हम ये बात साबित कैसे करेंगे? एक रास्ता है हमारे पास, वो देखिए सर, सीसीटीवी कैमरा। हमें ना एक बार फुटेज चेक कर लेनी चाहिए। बोल तो सही रहा है, चल। साहब छोड़ दो साहब, बहुत दर्द हो रहा है साहब। रुक जा तू, अभी अंदर से पुलिस आ रही है, तुझे तो पुलिस ही बताएगी। अबे ओ छोड़ उसे। मैडम इसने आपके बच्चे को किडनैप करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपके बच्चे को बचाया है। यही तो मैं तेरे से कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? सर फुटेज दिखाइए, ये देखिए। आप सब लोगों ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, अभी ना आप सबकी वजह से इस बेचारे की जिंदगी खराब हो सकती थी। आगे से चीज ध्यान रखना, कभी बिना किसी की पूरी बात सुने उस पर इल्जाम मत लगाना। चलता हूँ सर मैं, थैंक यू। कभी भी है ना बिना सोचे समझे कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें एक मिनट लगी उसका फोन तोड़ते हुए, बेचारे ने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए होंगे तब ये फोन खरीदा होगा इसने। तुम एक काम करो, सारे मिलके इसके फोन के पैसे दो।
भैया, हमने जो भी आपके साथ किया उसके लिए सॉरी। और आपने जो मेरे बच्चे की जान बचाई है उसका एहसान तो शायद मैं कभी उतार भी नहीं पाऊंगी। और जो हम लोगों ने आपकी बेइज्जती करी उसकी भरपाई भी हम कभी नहीं कर पाएंगे। बस हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।